हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी आपके बालों को तेज़ी से लंबा करेगी। इसके साथ साथ अगर आपके बालों के बीच डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में ये रेमेडी आपकी हेल्प करेगी। नेचुरल तरीके से हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे और किस तरह से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है, किस तरह से अपने बालों के बीच इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, ऐसा जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि अगर आपके बाल मार्केट वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके हैं या फिर रूखे सूखे हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम आपकी इस रेमेडी का इस्तेमाल करके सही हो जाएगी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको इस रेमेडी के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और दोस्तों, अगर आप ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइंस लगाना सीखना चाहते हैं और ऐसे ब्राइडल डिज़ाइन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मेहंदी एक्सपर्ट्स को आज ही विजिट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में दिया गया है, तो दोस्तों जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर अभी क्लिक करें और मेहंदी एक्सपर्ट्स को आज ही विजिट करें। तो चलिए अब रेमेडी को देखते हैं। सबसे पहले आपको इस रेमेडी के लिए लेना है मेहंदी पाउडर। आपको 2 चम्मच मेहंदी पाउडर के एक बाउल के अंदर डाल लेने हैं। मेहंदी बालों के बीच अच्छे कंडीशनर की तरह काम करती है। ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है और इसके साथ साथ हमारे बाल घने भी बनते हैं। मेहंदी बालों की जड़ों को मजबूत और घना करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है कर्ड यानी कि दही। आपको दही लेकर 1 से 1.5 चम्मच दही लेकर इस मेहंदी पाउडर में मिला लेना है। दही से हमारे बाल मजबूत बनते हैं और इसके साथ साथ दही का इस्तेमाल करने से हमारे बालों के ऊपर शाइन आती है और बालों की जड़ों को मजबूत होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दही डालने के बाद आपको इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिलानी है। 1/2 चम्मच आपको इसमें एलोवेरा जेल मिलानी है। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करती है और इसके साथ साथ हमारे बाल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कीजिएगा अपने बालों के ऊपर इस रेमेडी को लगाने के लिए। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की एलोवेरा जेल का 1/2 चम्मच इस रेमेडी में मिला लीजिए। अब अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस रेमेडी को 1/2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, यानी कि 1/2 घंटे के बाद आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने बालों के ऊपर करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बालों के ऊपर किस तरह से आपको इस रेमेडी को लगाना है। इस पेस्ट को आप अपनी जड़ों के बीच अच्छी तरह से लगा लीजिए और बालों के ऊपर भी अच्छे से लगा लें। बालों के ऊपर लगाने से बालों के ऊपर शाइन आएगी और बालों की जड़ों के बीच स्कैल्प्स में लगाने से आपके बालों की जड़ों को मजबूत होने में हेल्प मिलेगी। लगाने के बाद इस रेमेडी को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटा लेगी ये रेमेडी सूखने के लिए। सूखने के बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो बालों के सूखने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आपके बाल तेज़ी से लंबे होने भी शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको इससे कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और रेमेडीज़ के लिए आप हमारे चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।